फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे कहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल पर विजिट करिए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और उनके साथ भी जरूर शेयर करिए जो ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा सा फ्लावर आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बलून का भी यूज करने वाली हूँ और मेरे पास ग्रीन बलून है उनका भी यूज होने वाला है, येलो बलून है उनका भी यूज होने वाला है। तो चलिए इसको पहले फुला लेते हैं और इसको और अब हम इसको यहाँ पे बांधेंगे। फिर थोड़ा और फुला लूं क्या? थोड़ा सा और फुला देते हैं। इधर से भी मैं बांधती हूँ या ऐसे ही ज्वाइंट करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे भी ज्वाइंट हो जाएगा तो फिर नहीं बांधेंगे, ऐसे ही ज्वाइंट करते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर वो येलो ये वाला और इस तरीके से यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इस तरीके से हम बांध लेंगे और इसको एक सिरे को यहाँ पे बांधेंगे। इस तरीके से और दूसरे इस तरीके से बांध के इस तरीके से बांध लीजिए और इस तरीके से हम दूसरे साइड नॉट लगा देंगे और कुछ इस तरीके से। और अब हमारे पास कुछ ग्रीन बलून है उनको फुलाएंगे और इसमें एडजस्ट करेंगे। हमारे पास ये ग्रीन बलून्स हैं, इनको फुलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि सारे बलून्स की साइज एक जैसी हो। साइज को चेक करेंगे और बांधेंगे, फिर इन बलून्स को आपस में बांधेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और अब हमारा ये जो बड़ा वाला बलून है ना, ये बस वो ऐसे उठाएंगे और इस तरीके से इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हमने पहला सेट किया है और इसी तरीके से हम पूरे राउंड शेप में सेट कर देंगे। ये देखो आप, इसी तरीके से हम सारे बलून्स को सेट करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इसको बनाना कितना इजी है। हम इतने पे भी रुक सकते हैं पर हम इतने पे नहीं रुकने वाले हैं और इसमें थोड़े से बलून और ऐड करने वाले हैं ताकि ये और ज्यादा खूबसूरत लगे और ज्यादा प्यारा लगे। तो चलिए अब हम यूज करने वाले हैं इसमें येलो बलून।
अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे येलो, जिसकी साइज ग्रीन से थोड़ी सी कम ग्रीन से थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। इस तरीके से ऐड करेंगे इसमें हम येलो बलून्स को। और इस ये देखो आप इसमें ऐड किया, तो अब हम एक बलून छोड़ के इसमें ऐड करेंगे। ये देखो एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। ये ग्रीन वाला बलून पकड़ेंगे और इस ये ग्रीन वाला बलून पकड़ेंगे और इसके साथ में इसको ट्विस्ट करेंगे बहुत ध्यान से। ये देखिए एक बार और दिखाती हूँ करके। एक बलून को छोड़ना है, जैसे मैंने इसमें ट्विस्ट किया है तो इस बलून को छोड़ के इसमें करना है आपको। ध्यान से ये देखिए हमारा बलून का फ्लावर रेडी है और ये इतना प्यारा लग रहा है। ये लग रहा है ना जैसे सूरजमुखी का फूल हो। अगर ये ग्रीन नहीं होता तो एकदम लगता है कि ये हाँ वही वाला फ्लावर है। बहुत प्यारा लग रहा है। अब आप चाहो तो इसके बीच में स्माइली वगैरह कुछ भी बना सकते हो और इसको जहाँ डेकोरेट करेंगे ना रियली मजा आ जाएगा देख के। बहुत प्यारा लग रहा है ये देखो आप। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये फ्लावर बनाना आपने सीखा होगा और इसको आप घर पे ट्राई भी करेंगे बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।